लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उदो आइलैंड में सब हाना की बनाई ड्रिंक पीकर एंजॉय करते हैं, सबको नशा हो जाता है। फिर चायुन के फोन में जूहुन की कॉल आती है जिसे डाइन रिसीव करती है। चायुन और जेयुन जूहुन के कॉल करने से चौंक जाते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सब बस में वापस जाने के लिए बैठे होते हैं। हाना डाइन का ये कहकर मजाक बना रही होती है कि तुमने जूहुन को चायुन की मदर बना दिया। डाइन उससे गुस्से में कहती है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। फिर हाना को याद आता है कि ओसियोल उसके शोल्डर पर सिर रखकर सो गया था। ये याद करके वो ओसियोल को देखती है, लेकिन वो बस में सो रहा होता है। चायुन को सीरियस बैठा देखकर जेयुन पूछता है, क्या तुम जूहुन की वजह से अपना मूड ऑफ करके बैठे हो, आखिर उसने कॉल क्यों की थी। चायुन कहता है, आज ही वो दिन है। ये सुनकर जेयुन अपने फोन में देखता है और कहता है, आज सच में वो दिन है, मैं तो भूल ही गया था। असल में आज ओसियोल का बर्थडे होता है। वापस लौटने के बाद हाना सफाई करते हुए फिर से वो मोमेंट्स याद करती है जब ओसियोल ने उसे हग किया था। फिर वो अकेले में बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, लगता है मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐसे हग क्यों किया था और वो इतना फिट कैसे है, उसके मसल्स भी कितने हार्ड हैं। तभी पीछे से ओसियोल कहता है, कौन हार्ड है। जेयुन भी कहता है, कौन इतना फिट है। हाना जेयुन को कहती है, तुम बड़े फिट लगते हो, लगता है तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो। वो कहता है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ था। और ऐसा कहकर वो शो ऑफ कर रहा होता है और ओसियोल उसे देख रहा होता है। फिर वो हाना से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर वो हाना का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। डाइन अंदर नॉवेल पढ़ते हुए याद कर रही होती है कि कैसे उसने जूहुन से बात की थी। फिर वो खुद से कहती है, ये बड़ा शर्मनाक था। तभी चायुन उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। वो कहती है, इस नॉवेल में हीरो हीरोइन से एज में छोटा है। तभी चायुन उससे कहता है, तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो। वो ये सुनकर चौंक जाती है। फिर चायुन हंसते हुए कहता है, देखो ये लाइनें यहाँ लिखी हुई है, ये कूल है ना। डाइन का बेवकूफ बन जाता है। दूसरी तरफ जेयुन ने हाना से कहा होता है कि आज ओसियोल का बर्थडे है, तो जब तक हम पार्टी की तैयारी करते हैं तुम इसे बिजी रखना। हाना ओसियोल को अपने साथ संतरे तोड़ने के लिए ले जाती है। ओसियोल उसे कहता है, यहाँ तो बहुत सारे संतरे हैं, रुको मैं औरों को भी बुला लेता हूँ। हाना भागकर उसे कॉल करने से रोकती है और कहती है, मुझे यहाँ ज्यादा लोगों का आना पसंद नहीं है, मेरे संतरे बहुत शर्मीले हैं। ये सुनकर ओसियोल संतरों को देखता है। थोड़ी देर बाद हाना पूछती है, क्या तुम्हें कल रात ड्रिंक करने के बाद का कुछ भी याद है। ओसियोल कहता है, नहीं तो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था, इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं, तुमने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वो हाना से पूछता है, क्या जेयुन के जैसे बॉडी वाले लड़के तुम्हें पसंद आते हैं। वो कहती है, हाँ आते तो है। ओसियोल कहता है, लेकिन कपड़ों के ऊपर से बॉडी का पता कहाँ चलता है, वो तो बस तुम्हें बाहर से देखने पर धोखा होता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम उन्हें छूओगी तो वो गुब्बारे के जैसे फट जाएंगे। हाना हल्की आवाज में कहती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो ऐसी नहीं है। वो पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या। हाना कहती है, क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है। वो कहता है, हाँ मैं रोज सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे कैसा भी मौसम हो, मैं पूरे साल एक्सरसाइज करता हूँ। उधर चायुन डाइन को बताता है कि आज ओसियोल का बर्थडे है, तो क्या तुम पार्टी की तैयारी में मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर वो दोनों साथ में मिलकर केक बना रहे होते हैं। दोनों साथ में इंजॉय करते हुए सारा काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए चायुन के गाल पर कुछ लग जाता है, तो डाइन नैपकिन से उसका गाल बड़े प्यार से साफ करती है। तभी उन्हें जेयुन की आवाज़ आती है, तुम क्या कर रहे हो। फिर वो चौंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रखता है। ये देखकर चायुन और डाइन दोनों से कहते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और ऐसा कहकर दोनों हंस रहे होते हैं। जेयुन पूछता है, तुम दोनों ने ये केक बनाया है, ये अमेजिंग है। वो दोनों कहते हैं, ये हमने ही बनाया है, ये अच्छा है ना। अब सब ओसियोल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ओसियोल ने अपनी नाक बंद की होती है। हाना ने भी सेम ऐसा ही किया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केक चायुन और डाइन ने बनाया होता है उसे उन्होंने खीरे से डेकोरेट किया होता है। चायुन कहता है, हमने बहुत मेहनत से ये केक बनाया है। डाइन भी कहती है, मैंने इतना सुंदर केक पहले कभी नहीं देखा है। फिर जेयुन उसे गिफ्ट में संतरे के प्रिंट वाली टी शर्ट देकर कहता है, इससे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाएगा।
राइन उसे एक नॉवेल देकर कहती है, मुझे गिफ्ट तैयार करने का मौका नहीं मिला, तो मैं तुम्हें अपना फेवरेट नॉवेल दे रही हूँ। वो सियोल नॉवेल देखता है तो उसका टाइटल होता है, क्या एक रोबोट भी किसी को प्यार कर सकता है। ये देखकर सब हंस रहे होते हैं। उसके बाद हाना कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है, ठीक है मैं बता दूंगा। शाम को वो सब बैठकर मीट ग्रिल करके खा रहे होते हैं। जेयून कहता है, मेरी बड़ी सिस्टर मुझे हमेशा कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमेजिंग है। वो जब भी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाता है तो वो उसके लिए अपने हाथों से रैप बनाता है। वो पहले पत्ता लेता है, फिर उसमें ढेर सारा मीट भरता है। ये देखकर डाइन कहती है कि ये मेरा फेवरेट रैप है। फिर वो कहता है, मेरी सिस्टर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अपने हाथों से मेरे मुंह तक रैप लाता है। ऐसा कहकर वो रैप हाना के पास ले जाता है। हाना उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलती है। वो कहता है, लेकिन फिर उसका बॉयफ्रेंड वो रैप अपने मुंह में डाल देता है। ऐसा कहकर जेयून खुद वो मीट रैप खा जाता है। ये देखकर चायून ताली बजाकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर हाना कहती है, मैंने इसे ऐसे हंसते हुए कभी नहीं देखा है। ओ सियोल भी कहता है, मैंने भी इसे पिछले 6 महीनों से ऐसे हंसते हुए नहीं देखा है। तभी डाइन को फिर से दिन में चायून का गाल पोछने वाला मोमेंट याद आने लगता है। शायद वो चायून की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई है। तभी जेयून हाना से पूछता है, वैसे तुमने मेरी बॉडी इतने पास से कब देखी? क्या तुम्हें ये इतनी पसंद है? हाना कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जेयून कहता है, मैंने खुद सुना था कि तुम मेरे आर्म्स को पहाड़ जैसा हार्ड कह रही थी। तुमने ही तो कहा था कि मेरी बॉडी बहुत फिट है। ये सुनकर चायून और डाइन हाना को छेड़ने लगते हैं। ये सब देखकर ओसियोल शायद थोड़ा जेलस फील करता है। कुछ सोचकर वो कहता है, हाना मुझे पता है कि मुझे तुमसे अपने बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। क्या तुम हमारे लिए फिर से अपनी स्पेशल ड्रिंक बना सकती हो? हाना फिर से वो स्पेशल ड्रिंक बनाती है जिसे पीकर सबको फिर से नशा हो जाता है। डाइन उठकर कहीं जा रही होती है। जेयून पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। आधे रास्ते में जाने के बाद चायून भी उसके पीछे भागते हुए आता है। वो कहता है कि जेयून ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अकेले ना जाने दूँ। डाइन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने कल तुम्हें कॉल की थी। चायून कहता है, वो तो उसने ओसियोल के बर्थडे के वजह से की थी। फिर डाइन हंस रही होती है। उसे देखकर चायून को भी हंसी आ जाती है। वो उसे हंसने से मना करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा हंसता देखकर मुझे भी हंसी आने लगती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। वापस आते टाइम डाइन उससे जूहून के बारे में पूछती है, तो वो कहता है, वो हमेशा अपना बेस्ट करती है। वो जिस चीज में अपना पूरा फोकस लगाती है वो उसे पूरा जरूर करती है। वो बहुत ब्रेव है। वो पार्ट टाइम जॉब करती है लेकिन फिर भी वो स्टडी में बहुत अच्छी है। उसके बाद चायून डाइन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। डाइन कहती है, वो तो कबाड़ था। वो पूछता है, क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? डाइन कहती है, यहाँ से जाने से पहले मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जाऊंगी। चायून पूछता है, तुम ऐसा कैसे करोगी? वो कहती है, यहाँ पर एक जगह है, कहते हैं कि जिन लोगों का ब्रेकअप होता है वो लोग वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो लोग आसानी से मूव ऑन कर पाते हैं। चायून पूछता है, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? रुको मुझे नेट पर सर्च करने दो। वो कहती है, तुम्हें वो नेट पर नहीं मिलेगा। क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? वो कहता है, हाँ प्लीज मुझे वहाँ ले चलो। डाइन कहती है, तो फिर चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम मॉर्निंग का देखते हैं। चायून उठकर बाहर आता है और देखता है कि बाहर रात की पार्टी का कबाड़ बिखरा हुआ होता है। वो सामान समेटना शुरू कर देता है। डाइन भी उठकर बाहर आती है और चायून को कबाड़ समेटते हुए देखती है। सामान समेटते हुए चायून देखता है कि वहाँ कोई आया होता है। वो ध्यान से देखता है तो जूह्यून वहाँ आई होती है। उसे वहाँ देखकर चायून इमोशनल हो जाता है। जूह्यून को वहाँ देखकर चायून को याद आता है कि किस तरह से उसने चायून से ब्रेकअप किया था। जूह्यून उसके पास आकर कहती है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। चायून का सैड फेस देखकर उसे भी याद आता है कि किस तरह उनके ब्रेकअप वाले दिन चायून रो रहा था। डाइन उन दोनों को थोड़ी दूर से देख रही होती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।